रेस टू स्पेस हैज बिगिन और इंडिया ने रिसेंटली आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया है। आर्टेमिस अकॉर्ड 21st सेंचुरी में पीसफुल सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रमोट करने के लिए एक यूएस लेड इनिशिएटिव है। आर्टेमिस अकॉर्ड 2020 में यूएस और 7 पार्टनर कंट्रीज ने मिलकर स्टैब्लिश किया था, जिसमें 13 नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट्स हैं, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, जिनका मेन एम है पीसफुल स्पेस कोऑपरेशन, और ये इंटरनेशनल लॉ और स्पेस के साथ अलाइन करते हैं, जैसे कि स्पेस को मिलिट्री पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाएगा, सेफ्टी ऑफ स्पेस असेट्स एंड एस्ट्रोनॉट, और अगर इन एक्सप्लोरेशन से कोई साइंटिफिक डेटा मिलता है तो वो पार्टनर कंट्रीज के साथ शेयर किया जाएगा। प्रेजेंटली आर्टेमिस अकॉर्ड में टोटल 26 मेंबर कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग दी 8 फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज। इसमें यूएसए के ट्रेडिशनल अलाइज जैसे फ्रांस, जापान, इटली, यूके से लेकर वो कंट्रीज भी हैं जिनका स्पेस प्रोग्राम बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, जैसे मेक्सिको एंड नाइजीरिया। इट इज नॉट सरप्राइजिंग कि चाइना और रशिया जैसी कंट्रीज इस इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है। इन्होंने इनिशियल स्टेज से ही इस प्रोग्राम को अपोज किया था और इसी वजह से इसे यूएस लेड स्पेस इनिशिएटिव भी बोला जाता है। आर्टेमिस अकॉर्ड इज क्लोजली लिंक्ड टू नासाज आर्टेमिस प्रोग्राम, जिसका मेन एम है रिटर्निंग बैक टू द मून, वहां एक परमानेंट स्टेशन सेट करना और फिर डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन करना, अलोंग साइड सेंडिंग फर्स्ट वुमेन टू द मून, सेंडिंग फर्स्ट पर्सन ऑफ द कलर टू द मून। आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन करने का मतलब ये नहीं है कि आर्टेमिस प्रोग्राम में इंडिया जो है ऑटोमेटिक पार्टनरशिप बन जाएगी, पर इसका मतलब ये जरूर है कि नई पॉसिबिलिटीज और नई अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुले हैं। और आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि व्हाट इज आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967।